नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी को लगा एक बड़ा झटका। एन चुनाव के मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पति बबलू चौहान ने दिग्विजय सिंह के सामने थामा कांग्रेस का दामन। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ली कांग्रेस की सदस्यता। चांचौड़ा तहसील के कुसुमपुर ग्राम में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पति कांग्रेस में हुए शामिल। जिला पंचायत अध्यक्ष पति बबलू चौहान ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनका दम घुटता था, क्योंकि वहां सभी पैसा कमाने में लगे थे, किसी को जनता की फिक्र नहीं थी। बबलू चौहान ने कहा कि उन्होंने जो भी काम कराए उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हस्तक्षेप करते थे और उन्हें काम ही नहीं करने देते, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष बबलू चौहान ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस मौके पर नेताओं के साथ साथ साध्वी मोहिनी देवी जी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यदि राम मंदिर अयोध्या में बनवाना है तो कांग्रेस सरकार को लाना ही होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, साथ ही आगामी 28 तारीख को कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की अपील भी की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में मध्य प्रदेश को बहुत ही पीछे कर दिया है। गाड़ी रोज टकरा रही है, कहीं वो आंगनबाड़ी वाली के पास पैसे जा रहे हैं, कहीं पंचायत के सेक्रेटरी के पास पैसे जा रहे हैं, कहीं पंचायत के सरपंच के पास पैसे जा रहे हैं और वो अपने ठेकेदार बन चुके हैं। मुझे पता है बीजेपी वाले पूछेंगे नहीं, इसका ध्यान रखना, जो खाना है बल्लू काला पाल को खाएगा, किसी दूसरे को नहीं। चाहते थे कि साहब ऐसा नहीं हो कि हमें वहाँ परेशानी आ जाए, तब मैं छाती ठोक के कहता था कि मैं खड़ा हूँ, गोली लगेगी तो मेरी सीने भी लगेगी, तू काम करने जा। ऐसे काम कराता था मैं, जाता तो ऐसे मुझे काम कराना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे कैसे आपके काम करने के लिए यहाँ आना पड़ती थी। अगर मैंने कोई सब स्टेशन मंजूर कराया तो उसके ठेकेदार में चूचे देकर भगा दिया गया। वो जनता का काम था, मेरा नहीं था। मैंने वादा किया था मुरैना पे, जिनने मुझे जिताया था सदस्य का चुनाव, कि मैं तुम्हारे लिए सबमिशन लाऊंगा। मैं उसको लेकर आया, उसका काम चालू हुआ और जैसे ही काम चालू हुआ उनको लगा कि ये बल्लू का नाम हो रहा है, तो उन्होंने उस ठेकेदार में जूते दे के भगा दिया। वो काम आज किसान का रुका पड़ा है, वो बुजली आप किसान को नहीं मिल पाई है तो वो उनके कारण नहीं मिल पाई है, जिन्होंने उस काम को रोका है। मैंने अपनी ताकत से उसको मंजूर करा के दिया। जब काम होता है तो सब साथ मिलके कराते हैं, ये नहीं कि ये काम कैसे हो गया। मैंने सानी में 900 फुट का एक बोर लगाया, मैं अधिकारी से बोला कि ये बोर कैसे लगा, मैंने कि जिले में पूछिए बल्लू काला पाल ने लगवाया। मैंने इतनी ताकत से आप लोगों के लिए काम किया है और आपका साथ मुझे बना रहा तो ये भवानी माँ की सौगंध कहता हूँ, पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा, सीने पे गोली खाऊंगा, जैसे पुकारोगे वैसे आपके लिए आगे हो जाएगा। पर इन दरिंदों को इन चीजों से दूर रखना कि ये दादा मुर्गा पैसा ये एक दिन का है, अगर कि 5 लाख रुपया कोई देता और 500 वोट है तो 1000 रुपया नहीं आए एक व्यक्ति के यहाँ, और अगर 1000 रुपया में अगर अपन 5 साल दुख हो गए तो ये आपको गवारा रहेगा क्या, मुझे बताइए, कभी हो सकता है? इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि दलालों से बच के रहे। कुछ लोगों ने गारंटी ली है कि 3 पोलिंग मैं जिता के दूंगा, मुझे पैसे दे दो, 3 पोलिंग मैं जिता के दूंगा मुझे। अगर आप लोग तैयार हैं तो ये कुंभ पूरे मध्य प्रदेश को ढा देगा, तो ये बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगा। जी आपके साथ लक्ष्मण सिंह जी, गुजर जी का, उदय सिंह जी का, और जो हजारों लोग जो आपके साथ कांग्रेस में आ रहे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पवन शर्मा जी भी कांग्रेस में आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनको सताया गया है, जिनको परेशान किया गया है, पुलिस की दौड़ धपट के साथ जिनका जिनको परेशान किया गया है। हाँ, धनराज जी हैं, मजदूरों को नरेगा का काम बंद हो गया, 6-6 8-8 9-9 महीने में पेमेंट नहीं होता था,
गरीबों के घर में 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के राज में मुफ्त में बिजली जलाई कि नहीं जलाई, और भाजपा के राज में बिल पटाए कि नहीं पटाए, और जिन्होंने बिल नहीं पटाए वो जेल गए कि नहीं गए। ये कैसा मामा है जो अपने बहनोइयों को सालों को भेज देता है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। 28 नवंबर को वोट डालना है। जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं, ये ईवीएम मशीन को पहले टेस्ट करना। जब जब जांच होती है तो एक एक बार जब जांच होती है तब एक एक बार 100-100 बार एक बटन पे 100-100 बार कांग्रेस के दबा के देखो, कहीं बटन दबा रहे हो पंजे में, कहीं फूल मेरा निकल जाए। पर्ची निकलेगी उस पर ध्यान देना, बटन दबाया आपने पंजे में और पर्ची में अगर क्या फूल, तो हाल शिकायत करो के साथ गलत काम हो रहा है, क्योंकि जनता तो जिता रही है, जनता जिता रही है। मैं तो मध्य प्रदेश पूरे में घूम रहा हूं, 6.25 महीने तो मैंने पैदल घूमा हूं पूरे पूरे इलाके में। शिवराज सिंह मामा के चुनाव क्षेत्र बुधनी में 11 दिन पैदल चला हूं, और वहां शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार जो है रेत की अवैध खनन में लगा हुआ है, पूरा परिवार लगा हुआ है। पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुओं का, सबका कहना है कि अगर आगे से अगर राम जी चाहिए और अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। मैंने देखा था सिंगस में 1 महीने तक बीजेपी ने हम लोगों को कोई सुविधा ही नहीं। ऐसा है थोड़ी बहुत नाराजगी टिकट मामले में रहती है, दस को मांग रहे हैं नाराज तो होते हैं, लेकिन ये गुटबाजी नहीं है। तो आला कमान के पूरी नतमस्तक होना पड़ा उनके आगे, राजस्थान के जो दो बड़े नेता दिग्गज है कांग्रेस के, किसी को नतमस्तक होने की जरूरत नहीं। आरएसएस में सरकारी कर्मचारी जो जा रहे हैं इस बारे में कई बार कह चुका। अभी आपने यहाँ पर एक मंच से बोला कि ईवीएम पे अभी भी आपको भरोसा नहीं है, इतना सा टेक्निकल उसको टेस्ट करना चाहिए। वोट डालने के पहले 100-100 बटन दबाओ और टेस्ट करो। तो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को आप की भी नहीं मानी गई। ऐसा है हमारे यहाँ 6-7 लोग बचे, उनके यहाँ कम से कम 20 बचे, 14 बागी है जो उम्मीदवार के कांग्रेस पार्टी के जो सीरियस है 5-7 है। भाजपा विज्ञापन में महाराज का नाम लेके रही है, बस करो महाराज। ऐसा है बस करो महाराज, अब नहीं चलेगा शिवराज। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। बमौरी ब्लॉक के तहत ग्राम सोंडा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित, ग्रामवासी तरस रहे शासन की योजनाओं को। आजादी के इतने वर्षों बाद भी ग्रामवासियों के कच्चे झुग्गी झोंपड़ी मकान और न ही गांव में खड़ंजा सड़क निर्माण हुआ है। 72 परिवार की बस्ती में करीब 450 की वोटिंग है। ग्रामीणों का जनप्रतिनिधियों सहित शासकीय सेवकों पर भी आक्रोश है, नहीं लेता है कोई सुध। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम को मध्य प्रदेश ने इस तरह से निकाल फेंका है जैसे पुराने फटे हुए जूतों को पैरों से निकाल कर फेंक दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों की माने तो यहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्राम में 3 से 4 प्रसूताओं की जान भी जा चुकी है क्योंकि डिलीवरी के लिए एमपी की जगह राजस्थान ले जाना पड़ता है। आपकी जानकारी लिखे बता दें कि यह गांव राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और दोनों ओर पार्वती नदी से घिरा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार ना तो गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही उज्ज्वला योजना का। और तो और 72 परिवारों की इस बस्ती में मात्र 5 से 7 शौचालयों के निर्माण हुआ है जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को सीधा सीधा बट्टा लगा रहा है और चिढ़ा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं का ठोस आश्वासन नहीं मिलता तो ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज हम आए हैं ग्राम सोंडा ग्राम में, यहाँ करीब 72 घरों की बस्ती है और करीब 450 वोटिंग के आसपास है। तो इस गांव में आप देख सकते हैं यहाँ विकास कुछ नहीं है और अब जनता का रुझान हम जानने आए हैं। गाँव में बिल्कुल भी सुविधा नहीं है और बिल्कुल अशिक्षित गाँव है, गांव में रोड भी नहीं है, खुरंजा भी नहीं है, बिल्कुल 1974-75 का ये खुरंजा है। अभी तक पूरे गांव में कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पूरे गांव में ट्यूबवेल वगैरह पानी का, ना कोई भी, ना तो कर्मचारी आ रही हो, ना जो विधायक आ रही हो, ना वो आ रही हो,
ज्योतिराव सिंधिया कोई नेम नहीं देगी सकली गांव की जिका बाद में यू कब तक गुलाम रहेगो सुंडा जब तक सुंडो गुलाम नेट है जब तक वोट नहीं डाला राशन बनवाने जाते तो रिश्वत मांगते मैं नाम भगवान सिंह कुशवाहा हूं बताइए हम राशन राशन ही है हमारे न तो राशन है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं क्या बोलते हैं राशन बनवाने के लिए जाते हैं तो 500 रुपए मांगते हैं कोई सेक्रेटरी मांगता है कोई पटवारी मांगता है कोई सरपंच साहब मांगते हैं अच्छा क्या बोलते हैं आपसे वहाँ पटवारी के पास जाओ 500 रुपए लगेंगे 1000 रुपए लगेंगे अभी तक कोई राशन भी नहीं है कुछ भी नहीं है केवल आधार कार्ड है हमारे पास अभी अभी उसके बाद ग्राम सोना के अंदर जो भी 10 या 5 लेटरिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटरिंग मिली है उनके पैसे निकलवाने के लिए यानी उनके पैसे जो खाता धारक है उनके खाते में डलवाने के लिए सेक्रेटरी साहब ने प्रत्येक लेटरिंग जिसके घर में लेटरिंग बनी है प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपए लिए हैं तब जाके यहाँ कितने शौचालय बने अभी करीब से करीब 8 या 7 शौचालय बने हुए हैं बस और घरों की संख्या कितनी है यहाँ पर चूल्हे वाले 72 घरों की संख्या है लेकिन शौचालय आपके 5 से 7 शौचालय बने हुए 5 से 7 शौचालय तो ये भी एक बड़ी बात है कि 72 घरों के संख्या घरों में और वहाँ सिर्फ 5 से 7 शौचालय ही बनाए गए हैं सब खुले में जाते हैं सब खुले में जाते हैं सर औरतें भी खुले में जाती है जैसे कि गांव में वृद्ध लोग भी बहुत हैं जिनकी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था कोई नहीं है अभी हमारे खुद हमारे दादाजी हैं जिनकी 90 के लगभग उम्र हो चुकी है जिनकी 90 के लगभग उम्र हो चुकी है हमने अभी तक सेक्रेटरी साहब के पास करीब से करीब 8-10 बार डॉक्यूमेंट्स लगा दिए यानी कागजात दे दिए हैं सेक्रेटरी साहब गाँव में आप देखिएगा 90 की उम्र और जनता को दिखाइएगा ये 2002 में या 1988 के लगभग में एक खुरंजा बना था जबकि हम बहुत छोटे थे उस टाइम से ऐसे ही खुरंजा देख रहे हैं हम हमारे यहाँ पर तो इस गांव की आप विकास तो देखिए इस गांव में किस प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से या सरपंचों की तरफ से या पंचायत की तरफ से कैसा विकास हो रहा है घरों पर देखिए घरों पर ये कोलू या पन्नी चढ़ी हुई है जो कि हमारा जन्म हो गया हम इतने बड़े आज 26-27 की उम्र हो चुकी है हमारी हमने ऐसे के 2-4 भाई बहन की मौत भी हो गई डिलीवरी रास्ते होने के कारण सुविधाएं नहीं थी सुविधा नहीं थी जैसे तीन औरतों की डिलीवरी अच्छा एक दो के आपको नाम पता है जो मतलब इस कारण से खत्म हो गई मोरबाई कन्हैया लाल मोरबाई राधे श्याम गायत्री और कजोड़ी बाई धनलाल अच्छा चार महिलाएं रोड के कारण खत्म हो गई तीन महिला कितना समय हो गया इनको 12 महीने ही रहे रास्ता नहीं है तो रोड नहीं है यहाँ बिल्कुल रोड नहीं है पूरी असुविधा है कुछ भी नहीं आता बस गांव में और जो भी योजना है गांव की मतलब बीमा योजना वृद्धा पेंशन गुणवत्ता वाली शिक्षा होती तो हमारा गांव बहुत आगे रहता कई व्यक्ति बेचारे गांव यहाँ से निकल कर मजदूरी करते हैं तगारे वगैरह फेंकते हैं दूसरे शहरों में जाके जबकि हम 2-4 बच्चे हैं जो कि कोटा पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब इसलिए जागरूक हैं इस बार की वोटिंग ढंग से करना है कि भाई डालना नहीं डालना एक सुटेबल पॉलिटिक्स लानी है हमारे मतलब मध्य प्रदेश में तो हम उन्हें एक 1008 महावीर जिनाले लक्ष्मीगंज गुना पर आज से नवीन जिनबिंब अगवानी चल समारोह एवं श्री नियम सागर महामंडल विधान का भव्य शुरुआत हुई। इस अवसर पर जन सामान्य को अध्यात्म सिद्धांत एवं भक्ति की गंगा में स्नान करने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा। साथ ही विधान के प्रमुख बिंदुओं पर अध्यात्म के रसिया पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री के विशेष प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त होगा। संध्याकालीन बेला में जिनेन्द्र भक्ति प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। जिनाले में स्थापित होने जा रहे नवीन जिनबिंबों की भव्य अगवानी आज शानदार चल समारोह रूप में हुई। हाट रोड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह जुलूस लक्ष्मीगंज में स्थित महावीर जिनाले तक गया जिसमें बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध जन एवं धर्मावलंबी उपस्थित हुए।
चुनावी तैयारियों की जानकारी हेतु हुई बैठक। जिला कलेक्ट्रेट में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक रखी गई, जिसमें जानकारी दी गई कि कितने पोलिंग बूथ हैं एवं कितने मतदाता हैं। साथ ही बताया गया कि संवेदनशील पोलिंग बूथ कितने हैं। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि आगामी चुनाव में चुनावी ड्यूटी में कितनी फोर्स लगेगी। जितना भी कैश जब्त होता है उस कमेटी के आगे जो है संबंधित व्यक्ति अपना प्रस्तुत करता है अपना केस, और वो केस प्रस्तुत करने में यदि वो संतोषजनक पाया जाता है तो वो कैश रिलीज कर दिया जाता है, अन्यथा फिर चुनाव के बाद जो है उस कैश को रिलीज किया जाता है। इस वापसी की जानकारी जो है फोर्स का डिमांड जो है हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, और अभी इसमें डिमांड्स हमारे डिमांड बोर्ड गए हुए हैं, और जैसे जैसे मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का चुनाव और हो रहा है, मांग हमने करीब 2000 की करी है, और जो है अभी अभी स्पष्ट नहीं है कि कितना मिलेगा। अभी कितने आ रहे हैं? अभी हमारे पास दो कंपनी जो है बाहर से आई है, बाकी जो बल है वो जैसे जैसे आता जा रहा है। और जो यदि खिलाफ कार्रवाई करनी है हाँ हो जाएगा, अलग अलग कुछ लोगों को अटैच कर दिया गया है, कुछ लोगों को शो और साथ के अगेंस्ट में प्रस्तावित है, साथ के कार्रवाई चल रहे हैं, कुछ लोगों को अटैच कर दिया गया है। अब सभी के नाम हम जानते नहीं, बट आपको अगर डिटेल चाहिए तो पीआर के माध्यम से मिल सकते हैं। ये नोटा के जो प्रचार प्रसार किया जाएगा उसका अकाउंट किसके खाते में जाएगा या वो किस तरह से उसका नोटा में प्रचार कर सकते हैं? जिला प्रशासन करता है तो स्वीप फंड से ही करते हैं, वोटर एजुकेशन फंड हमारे पास होता है जिसके माध्यम से आपने देखा है, और आप सभी के साथ से हम लोगों ने वोटमैन के एस्पेक्ट को भी काफ़ी सराहा गया है जिले लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उसी बजट से नोटा का भी किया जाता है। क्या निजी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पर नोटा का प्रचार कर सकता है? क्या उसके ऊपर कोई बाध्यता है फंड वगैरह की है? और अगर जो प्रत्याशी को परमिशन लेनी पड़ती है और जो सेक्टर ऑफिसर्स की टीम है और आप लोग के माध्यम से जो जानकारी आ रही है उनसे हम बात करते हैं, बिकॉज कोई भी रोड है जो ओवरनाइट बन नहीं सकता, ऐसी चीजें जहाँ पे विकास कार्यों की वजह से कोई बाधा हो तो उस चीज को उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश हमारी टीम्स कर रही है। जिले में 115 सेक्टर ऑफिसर हैं, वो सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं हर हफ्ते, और उन 115 ऑफिसर्स की जिम्मेदारी ये है कि वो पता करें ऐसी कोई स्थिति हो तो उस स्थिति का समाधान किस तरह से किया जाना है वो जिला प्रशासन की टीम। आपके संज्ञान में ऐसी कोई जगह हो प्लीज हमें और एडीएम साहब को आप जानकारी दे दें ताकि हम हमारी टीम वहाँ पहुँच के उनसे चर्चा करें। कपासी तरफ है, वहाँ पर पिछले 6 महीने बल्कि 1 साल से वो लोग 3 तालाब के निर्माण की मांग कर रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या हर साल आती है, तो अभी भी उन्होंने ऐसे ही कुछ अपील की है 12 गांव के लोग हैं कि हमको अगर ये समस्या हल हुई नहीं है इसलिए आप वोट नहीं डालें। और सबसे उचित समाधान तो ये है कि अगर आपको लगता है तो नोटा एक अच्छा ऑप्शन है, बहिष्कार करने से ज़्यादा अच्छा है कि नोटा का ऑप्शन हम यूज़ करें। और जो आप बता रहे हैं रिलीजियस पॉपुलेशन जस्ट नोटिस ना उसका पासी का आप मुझे फिर 24 घंटे में वहाँ सेक्टर ऑफिसर को भेजिए। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य यह है कि इस बार चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। जैसे आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी क्या रहती है? घर के काम करना, समझ रहे ना? पुरुषों की जिम्मेदारी क्या रहती है? बाहर के काम करना। दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, है ना? और कुछ जिम्मेदारी ऐसी रहती है जो महिलाओं पुरुषों की दोनों की है, तो वो जिम्मेदारी अपन विदेशों में भी सब जो इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं विदेशों में वहाँ भी समझता है, वहाँ भी सबरे थोड़ी अमीर है, अपन सोचते ना अरे विदेशी लोग बहुत अच्छे रहते हैं, सबरे अमीर थोड़ी रहते हैं वहाँ पे भी सबके। Thank you.
माताओं बहनों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट डालना, सभी अपने घर से निकले डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।